नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चाहे आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से आपका संबंध हो, लेकिन आज का वीडियो पूरी तरह से निष्पक्ष और पूरी तरह से विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से पूरा का पूरा आप लोगों ने 69,000 टीचर भर्ती देखा, लगभग 2-2.5 वर्ष से यह भर्ती लंबित है। और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ, SSC की वैकेंसियाँ, UPSI की वैकेंसियाँ, अन्य से बहुत TGT PGT 2016 की वैकेंसियाँ या LT ग्रेड की वैकेंसियाँ, बहुत सारी वैकेंसी स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, बहुत सारी वैकेंसी में जो पद है वह भी खाली है। और बहुत सारी भर्ती अभी पूरी भी नहीं हुई है। मतलब 1.5-2.5-3 साल 4 साल तक लग जाते हैं एक एक भर्ती को पूरा होने में, और भर्ती पूरा नहीं होती है। तो इसी को लेकर पूरा का पूरा बेरोजगारों का गुस्सा फूट गया है। और आप लोग देख लीजिए कि जब मन की बात मोदी जी के द्वारा की गई, तो उनके वीडियो पर जबरदस्त डिसलाइक आ रहे थे। भारत के, हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का खिताब हासिल करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वीडियो पर अब जबरदस्त डिसलाइक आ रहे हैं। तो अब इसका रीजन क्या है, भक्तों और चमचों दोनों सुनो। हमने इसलिए कहा है क्योंकि आप किसी राजनीतिक विचारधारा से आप किसी भी संपर्क रखते हो, लेकिन यह वीडियो किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं है। यह वीडियो इसलिए है कि सिंहासन पर कोई भी बैठा हो, सत्ता के शीर्ष पर कोई भी बैठा हो, उसकी निजी जिम्मेदारी होती है, उसका नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि वह देश में रोजगार को पैदा करे। नीति निदेशक तत्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, भारतीय संविधान का ही नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि सरकार का दायित्व है कि वह लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दे। तो जब हम संविधान का पालन ही करना भूल जाते हैं, तो हम शीर्ष पर कैसे बैठे रह सकते हैं। और लोकतंत्र के मंदिर का भी अपमान है कि कम से कम हमें, जो भी हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनका भी दायित्व होता है और वो अपने दायित्व से भटक गए हैं। तो इसलिए अब देख रहे हैं कि मोदी जी के वीडियो पर जबरदस्त डिसलाइक आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को भी सुनना होगा। और बेरोजगारों का गुस्सा पूरी तरह से फूट गया है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यह देखिए, यह एक BJP कार्यालय का ही यह यूट्यूब चैनल है। और मैं शायद भूल गया हूँ, यहाँ पर चैनल का नाम भी है लेकिन मैं भूल गया हूँ। लेकिन यह आप लोग देख लीजिए, 14 घंटा पहले यह वीडियो डाला गया था, 51,000 लोगों ने व्यू किया हुआ था। और आप यह लाइक और डिसलाइक दे सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री कोई भाषण दे रहे हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 5600 डिसलाइक हैं और बदले में 3600 लाइक है। आप समझ सकते हैं, लाइक की संख्या, जब डिसलाइक की संख्या ज़्यादा हो जाती है, समझ सकते हैं कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आमतौर पर कितना भी खराब से खराब भी वीडियो बना रहता है, तो उस पर लाइक की संख्या ही ज़्यादा होती है, डिसलाइक कम होता है। लेकिन जब डिसलाइक की संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। और यह जो चैनल आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ही है। सेम कार्यक्रम चल रहा है, हर चैनल पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यह चैनल है, जहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लाइक की संख्या जो है 10,000 है। 10,000 लोगों ने सिर्फ लाइक किया है, जबकि 93,000 लोगों ने डिसलाइक किया। सीधे सीधे 10 गुना से थोड़ा भी कम है, 10 गुना की संख्या में लोगों ने डिसलाइक किया है। मतलब डिसलाइक का प्रतिशत समझिए 900% से भी ज़्यादा डिसलाइक का प्रतिशत है। आप समझ सकते हैं कि देश में बेरोजगारों का गुस्सा किस तरह फूट गया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग शेयर जरूर करें। बिल्कुल अभी इसी वक्त आप लोग शेयर करिए, ताकि जागरूकता बनती रहे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे शेयर करिए। जिस तरह से 69,000 टीचर भर्ती में, अन्य भर्तियों में लोगों, यह जब सरकार लेट नीति भी कर रही है, तो उसका अंदाज़ा निकल जाना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का यह यूट्यूब चैनल है, मतलब उनके नाम से है, कोई भी हैंडल करता हो। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 30,000 लोगों ने लाइक किया है और डिसलाइक की संख्या 23,000 है। थोड़ा लाइक की संख्या ज़्यादा ही है, लेकिन ज़्यादा से मतलब नहीं है। मैंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री का वीडियो है, लाइक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिसलाइक ही अब ज़्यादा प्रतीत होने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारों का गुस्सा किस तरह फूट गया है। सरकार को अब सुध लेना ही होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को तो लाइक करिएगा, इसे डिसलाइक करने की जरूरत नहीं है, इसे लाइक करिएगा। और इस वीडियो को शेयर करिए, जहाँ भी शेयर करने का माध्यम है उस पर शेयर करिए, ताकि लोग जो लोग अभी तक सोए हुए हैं, जो जागरूक नहीं है, वह कम से कम अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। IS PCS Free Materials के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे मटेरियल आपको निःशुल्क मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मटेरियल जिसके चार्ज लगते हैं वह सभी निःशुल्क मिल जाएगा। बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट्स, बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स आपको निःशुल्क मिलेंगे हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी जोड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और हमारा चैनल है बुक्स अड्डा के नाम से है, बुक्स अड्डा के नाम से है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वह एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं सिर्फ बुक्स के बारे में बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बुक्स के बारे में बताता हूँ, चाहे किसी भी तरह का बुक हो, चाहे धार्मिक हो, साहित्यिक हो, ऐतिहासिक हो, मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी प्रकार का बुक हो, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए या अन्य किसी भी तरह की के लिए बुक्स का रिव्यू उस चैनल पर दिया जाता है। तो उस यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम को तो बिल्कुल ज्वाइन ही करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।